गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन ट्राइंगल्स का नेक्स्ट टॉपिक क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। मतलब कि ट्राइंगल्स सिमिलर कैसे होते हैं उसकी बात। तो अपन ने दो ट्राइंगल उठाए, जैसे मान लो अपने का एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने BQ का, और इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर दिखाना। तो सबसे पहली मेन बात ये है कि अपन उस ट्राइंगल को नाम देते हैं, एक बार डेमो कर लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, और इस ट्राइंगल का नाम एक बार क्या होता है ट्राइंगल बी सी बार। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे कब? फर्स्ट स्टेट है एस 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 रूल, साइड 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 रूल। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए, साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ऐसा रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि ट्राइंगल क्या है अपना ए बी, और इस ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल में क्या लिया अपन ने पी क्यू, और फिर इसके नेक्स्ट साइड क्या है बी सी, और बी सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है यू आर, और थर्ड साइड क्या है ए सी, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है पीआर। अगर अपन तीनों ट्राइंगल्स के लिए ऐसे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर दें, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या कर दें इक्वल कर दें, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरिटी के लिए इस साइन का यूज किया जाता है, सिमिलरिटी के लिए इस साइन का यूज किया जाता है, ये सिमिलरिटी का साइन है, दो ट्राइंगलों की सिमिलरिटी को शो करता है। ठीक है, अब मान लो कि इस रूल से अपन ने दोनों ट्राइंगलों को क्या कर दिया है सिमिलर कर दिया। सेकेंड रूल होता है एस ए एस रूल, एस ए एस रूल। तो एस ए एस रूल क्या कहता है कि दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और एक एंगल क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। फिर अपने पास भाई दोनों ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर। अब के बाद बात करते हैं कि अपने पास मान लो ए बी अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू हो गया है बी सी अपॉन पी क्यू आर। मान लिया अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर प्रूफ कर दिया। तो अगर ऐसा ऐसे रूल लगाना है तो अपने को थर्ड साइड को इनके प्रोपोर्शनल प्रूफ करना पड़ेगा, रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा अपने को एक एंगल और इक्वल दिखाना है, वो एंगल कौन सा होना चाहिए उसकी बात करते हैं। अच्छा अपन ने यहाँ पे क्या लिया है ए बी और बी सी साइड ली है, तो ए बी साइड ये है और बी सी साइड ये है, तो इनका जो मिडल एंगल है ये वाला एंगल, और इस ट्राइंगल की बात करें तो अपन ने किस किस साइड्स को लिया है एक पी क्यू को और एक क्यू आर को, तो ये वाला एंगल मान लिया ये एंगल है थीटा और ये एंगल मान लिया फाई मान लिया। ठीक है, तो अपने पास एंगल बी है एंगल क्यू के, अगर अपन इक्वल दिखाते और दो साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाते तो क्या कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है सिमिलर है। तो अगर एंगल इक्वल की बात करें तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल, अगर ये कंडीशन है दो साइड्स का रेशियो इक्वल और दो एंगल इक्वल हो गए तो अपन क्या कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल आपस में फिर से क्या है सिमिलर है, और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर क्या करेंगे यहाँ से अपन सिमिलरिटी शो करेंगे, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर किससे हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर बी। अब देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में इस रूल एस एस के अकॉर्डिंग अगर सिमिलर हो गए हैं तो बाय सिमिलरिटी इसका जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बच रहे हैं वो भी इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, या फिर उनका रेशियो है वो इनके इक्वल हो जाएगा। तो जैसे अपन ने ए बी अपॉन बी क्यू लिया था, बी सी अपॉन क्यू आर लिया था, थर्ड साइड का रेशियो क्या बता अपने पास ए सी अपॉन बी पी आर, तो बाय सिमिलरिटी से अपन ये भी दिखा देंगे बाय सिमिलरिटी ए सी अपॉन पी आर है उसका जो रेशियो है वो इन दोनों साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर की ए बी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। जैसे अपन ने ट्राइंगल्स के लिए कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी तो वहाँ पे क्या करते हैं कि अगर कोई दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो बाइसिपिसिटी से अपन थर्ड साइड को भी उनके इक्वल दिखा देते हैं, तो यहाँ सेम वही प्रोसेस है, यहाँ सिमिलरिटी कर रहे हैं तो बाई सिमिलरिटी से अपन थर्ड साइड का जो रेशियो आया वो इन दो रिमेनिंग साइड्स के रेशियो के आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो साहिन को ये करके शो कर सकते हैं आगे कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर, और रिमेनिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे
इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे अपन ने ये तो पहले ही प्रूव कर दिया था कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, तो रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, एंगल बी इक्वल टू इसके इक्वल हो जाएगा एंगल बी के एंड एंगल सी इक्वल टू किसके हो जाएगा एंगल आर के। तो ये सेकेंड क्रिटेरिया है सिमिलरिटी का। थर्ड होता है एंगल एंगल रूल। थर्ड क्या होता है एंगल एंगल डबल ए रूल। अब तुम कहोगे कि सर ये एंगल एंगल रूल क्यों आ रहा है, एंगल 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 रूल क्यों नहीं और ट्रिपल ए क्यों नहीं आ रहा। तो देखो जब अपन दो एंगल को अगर इक्वल दिखा देंगे तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अपन अपने को दोनों ट्राइंगल्स के कोई भी दो एंगल है वो आपस में क्या दिखाने पड़ेंगे, इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि एंगल बी है, एंगल ए है वो अपने पास इक्वल हो गया एंगल बी के, और एंगल बी है वो इक्वल हो गया एंगल सी के। तो ए एंगल इस ट्राइंगल है जिसके एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल हो गया, एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल हो गया। तो बाई ए ए रूल से अपन क्या दिखाएंगे, बाई ए ए रूल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी क्यू आर के। फिर कंडीशन है कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी की कंडीशन से क्या लिखेंगे अपन, बाय सिमिलरिटी इनकी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का उनका रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बाय सिमिलरिटी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स नेम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है PQ, फिर नेक्स्ट BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है QR, और नेक्स्ट AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है PR। तो ये सारी चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और थर्ड एंगल बचा एंगल सी इक्वल टू टू किस हो जाएगा एंगल आर। तो अपने पास कितना है तीन सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे अपन उन सभी क्वेश्चन को इन तीन सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करके दिखाएंगे ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अब अपन एक्सरसाइज 6.3 की बात करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD मीट AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये अपने को एक ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD, तो सबसे पहले अपन इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। और वो फिगर क्या है, एक ट्रेपेजियम का फिगर है, और नाम क्या होगा इसका ए बी सी और डी, एक ट्रेपेजियम का फिगर होगा। इसके अंदर दे रखा है कि जो साइड ए बी है वो डी सी की क्या है पैरेलल है। गिवन कंडीशन क्या है अपने पास, गिवन कंडीशन क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू डी सी, किसके पैरेलल है डीसी के पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो इसके डायगोनल हैं, डायगोनल कौन से हो गए, एक एसी हो गया और एक बीटी हो गया, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों डायगोनल को और O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवा दिया है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया है, O पॉइंट हो गया, ठीक है। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। देखो अब अपन ने सेम ट्रेपेजियम का क्वेश्चन बीपीटी और उसकी कमर्स के लिए देखा था, और सेम ट्रेपेजियम का क्वेश्चन अपने को सिमिलरिटी के लिए भी मिला है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं बोलेगा कि सिमिलरिटी का यूज करना है या फिर बीपीटी का यूज करना है, वहाँ डायरेक्ट फॉर्मल कंडीशन आएगी कि अगर एबी पैरेलल डीसी है तो इनका रेशियो पूछेगा अपने से। और यहाँ क्या है, एबी पैरेलल डीसी दिखाया है लेकिन एक नाम और दिया इसने यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब सिमिलरिटी का यूज करते हुए अपने को जो कंडीशन दे रखी है वो प्रूफ करके दिखाएंगे। तो क्या प्रूफ करके दिखाना है आपको, तो प्रूफ ओए अपॉन में ओसी इज इक्वल टू ओबी अपॉन में, ये प्रूफ करके दिखाना है। और यूज किसका करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करना है। अगर सिमिलरिटी क्राइटेरिया नाम नहीं देता तो अपन क्या करते, तो अपन बीपीटी का यूज करके और ये शो करते।
ठीक है, तो प्रूफ कर रहे हैं। अब अपने माइंड में यही होना चाहिए कि अपने पास तीन टाइप के सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, एक एस 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 रूल है, एक एस ए एस रूल है और एक डबल ए रूल है। इनके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग तीनों कॉस्ट दो ट्राइंगल उठाएंगे और उनकी तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपन कोई दो ट्राइंगल उठाएंगे और वहाँ से दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा और एक एक एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। और इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, अपने को दो एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब वो अपने को इस फिगर को देख के पता लगेगा कि अपने को कौन सा रूल लगाना है, ठीक है ना। तो अपने पास इन कॉरेस्पॉन्डिंग जो पैरेलल साइड्स हैं इस कंडीशन का भी यूज करना है और ये प्रूफ भी करना है। तो पैरेलल साइड्स के अकॉर्डिंग अपन दो ट्राइंगल लेते हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल लिया अपन ने, एक ट्राइंगल लिया ए ओ बी, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। और यहाँ से अपन तीन कंडीशन लेके आएंगे, तो वो तीनों कंडीशन कौन कौन सी आ गई उस पर बात करते हैं। तो देखो ए ओ बी और सी ओ डी इन दोनों ट्राइंगलों को अगर अपने को सिमिलर दिखाना है तो या तो अपने को तीनों साइडों का रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा या दो साइड्स का रेशियो एक एंगल दिखाना पड़ेगा या फिर दो एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो अपने को ऐसा कुछ गिवन भी नहीं है कि दो साइड्स या तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं है। लेकिन ये जो कंडीशन दे रखी है पैरेलल वाली, इस पैरेलल वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन क्या देख सकते हैं कि एक भी लाइन अगर इस सीडी या डीसी के पैरेलल है तो फिर एसी या फिर जो बीडी है वो किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है ना। किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने ए ओ बी और सी ओ डी दोनों ट्राइंगल उठाए। तो ए ओ बी ट्राइंगल की बात करें तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी और रीजन क्या हो जाएगा इसका, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या लिखूंगा मैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी और इसका रीजन क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अपन ने एक एंगल की कंडीशन को इक्वल दिखा दिया। अब क्या मतलब, अब या तो दो साइड्स दिखाओ या फिर एक एंगल और दिखाओ। तो देखो फिर से अपन इसी ट्राइंगल की बात करते हैं ए ओ बी। तो ए ओ बी ट्राइंगल के लिए मैंने मान लिया कि एंगल लिया और इस एंगल को नाम क्या दिया, एंगल वन नाम दे दिया। और सी ओ डी के लिए मैंने ये एंगल लिया और इस एंगल को क्या नाम दिया है, एंगल टू नाम दिया। तो देखो ए ओ बी ट्राइंगल का जो एंगल वन है वो सी ओ डी ट्राइंगल के एंगल टू के इक्वल है। रीजन, जब दो पैरेलल लाइनें और इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात अपन ने 9th क्लास में ट्रांसवर्सल जब पढ़ा था तब देखा। तो यहाँ पे ये बीसी और एबी दो पैरेलल लाइनें हैं और इन दोनों पैरेलल लाइनों को एसी एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंटों पे सी और ए पर। तो जो ये वाला पेयर है एंगल 2 और एंगल 1 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और रीजन क्या देंगे इसका, अपन इसका रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो पहले अपन ने ट्राइंगल कौन सा लिया है, ए ओ बी। तो सबसे पहले जो एंगल लेंगे वो भी अपन किसका लेंगे, ए ओ बी का लेंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू किस हो जाएगा यहाँ से, एंगल 2 के। और रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये रूल लग गया अपना, ए रूल अपन ने दो एंगलों को इक्वल दिखा लिया ट्राइंगल में। तो क्या लिखेंगे, बाई ए रूल, बाई ए रूल ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर ट्राइंगल सी ओ डी। तो जब ए ओ बी और सी ओ डी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनका जो रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अपन अब ट्राइंगल का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ट्राइंगल के नियम के अकॉर्डिंग ए ओ के अकॉर्ड में क्या आएगा, सी ओ। तो बाई सिमिलरिटी तीसरा भी कह सकते हैं अपन, एबी अपॉन में सी डी। लेकिन जो प्रूफ करवाया उसमें एबी
इक्वल टू सी ए बी अपॉन सी डी की कहीं बात नहीं करते, इसलिए अपने थर्ड को रिमूव कर दिया है। तो यहाँ से अपने को जो प्रूफ करना था वो निकल के आ गया, ठीक है। इस टाइप से अपन सिमिलरिटी के क्वेश्चन करेंगे। सबसे मेन फोकस ये करना है कि अपन ट्राइंगल्स का नॉर्म सही तरीके से लेना है, ताकि अपन उनके एंगल या फिर साइड्स का जो रेशियो वो कैसे का सके रिकॉर्डिंग कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। आगे के प्रोसेस अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हम सॉल्व करना